पैसा 50 पैसा, चलो निकाल ली जाए कुछ क्वांटिटीज़। 3 रुपये, ठीक है, 2.70 स्पाइक किया, चलेगा। ओके, जितना स्पाइक किया इनफ है। अब सेलिंग ऑर्डर्स कहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहे हैं कितने? अरे भाई, बाइंग ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो गया यार, क्या बताऊँ। ओके, सो गाइस, कहीं ना कहीं पे एक ऑर्डर मिस्टेक के कारण मार खाना पड़ा। वेरी गुड आफ्टरनून गाइस, बैल ऑन द साइट, वेलकम बैक टू अनदर लर्निंग वीडियो फ्रॉम ट्रेड पालन। यार आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, एक लॉस लेके बैठा हुआ हूँ मैं 2,45,000 के आसपास का, ठीक है। हालांकि ये सेम प्रॉफिट में था सुबह 2,60,000 के, बट स्टिल कुछ ऐसी मोमेंटम आई, कुछ ऐसे मार्केट ने लाइक मूव्स दिखाए कि मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो गया। ओके, नाउ द पॉइंट इज गाइस, वी आर गोइंग टू मेक वन हीरो जीरो ट्रेड। ओके, जहाँ पे अपन कितना रुपये रिस्क करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू रिस्क 1.5 लाख रुपीज़। एंड वॉट वी आर टारगेटिंग एटलीस्ट 2 to 2.50 लाख रुपीज़। ओके, बेसिकली वी आर टारगेटिंग दिस लॉस रिकवरी। ओके, मैं मेरी एडजस्टमेंट थ्योरी से इसको लाइक ये जो ट्रेड है वो लेने वाला हूँ। नाउ लेट मी शो यू द चार्ट गाइस। चार्ट कुछ ऐसा चल रहा है, मार्केट साइडवे है कम्प्लीटली, एक जोन पर है। ओके, मार्केट चल रहा है 45,329 पे, ठीक है। या तो मार्केट एक्सपायर होगा 45,300 पर, या तो मार्केट एक्सपायर होगा 45,400 पर, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। ओके, नाउ अगर मैं आप लोगों को प्रीमियम्स दिखाऊं, तो 45,400 का जो सीई चल रहा है वो 7 रुपये 8 रुपये के आसपास चल रहा है। 45,300 का जो पी चल रहा है वो भी 8 रुपये के आसपास चल रहा है, ठीक है। मैंने इन दोनों ही ट्रेड्स के बास्केट ऑर्डर्स ना रेडी करके रखे हैं, ठीक है, कि जहाँ मेरे को मौका मिला आई एम गोइंग टू पंच द क्वांटिटी। द पॉइंट इज वी हैव टू वेट पेशेंटली फॉर द एंट्री। एंट्री के लिए काफ़ी पेशेंस से वेट करना है एंड देन अपने को अपने ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करने हैं, ठीक है। मैं टारगेट कर रहा हूँ नियर अराउंड 50 to 80,000 क्वान्टिटीज़, 50 से 80,000 क्वान्टिटी के आसपास मैं टारगेट कर रहा हूँ। जो स्टॉप लॉस रखूँगा वो 2 से 3 रुपये रखूँगा, मैक्स टू मैक्स। ओके, हिट होता है तो निकल जाएंगे, बात खत्म। ओके, चलिए, मेरा जो भी व्यू था मैंने आपको बता दिया, जो मैं करने वाला हूँ वो भी मैंने बता दिया। ओके, एंड डोंट वरी अबाउट द लॉस गाइस, आई नो माई रिस्क मैनेजमेंट वेरी वेल, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से जानता हूँ, उसका चिंता करने का ज़रूरत नहीं है कि ये 2 लाख 2.5 लाख लॉस पे है, ठीक है। मंथ के एंड पे मैं ग्रीन पे हूँ, दैट मैटर्स। ओके, चलिए अब देखते हैं, 2:57 हो रहा है, यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, ठीक है। किस साइड पे जो मोमेंटम है वो आएगा वो यहाँ पर देखना पड़ेगा, ठीक है। सी साइड जो है वो 3 रुपये के आसपास जा रहा है एंड जो पी साइड है वो 10 रुपये के आसपास चला गया है। वेट करते हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ। अभी अगर मैं आपको चार्ट शो करूँ तो एक डाउन साइड के लिए एक मोमेंटम आया हुआ है। ओके, डाउन साइड मोमेंटम आ रहा है। 4 रुपये का जो प्रीमियम है ये कहाँ और क्या स्पाइक करेगा ये देखने वाला बात होगा, ठीक है। ये 4 रुपये के प्रीमियम को मैं एग्जीक्यूट करूँगा लगभग लगभग 3.50 रुपये के आसपास, 3.50 से 3.60 रुपये के आसपास मैं टारगेट कर रहा हूँ एग्जीक्यूशन। ओके, देखो यार, मैं अगर एग्जीक्यूशन बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जब मोमेंटम आएगा तो मैं तुरंत एग्जीक्यूट कर दूंगा। द थिंग इज, उस टाइम भी मेरे को देखना पड़ेगा कि चल क्या रहा है। बेरिश प्रेशर अगर ज़्यादा होगा तो मेरे को सेम जगह पर मेरे को जो भी मेरी लाइक मूवमेंट है उसको मैनेज करना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। सो एज ऑफ नाउ जो पुट साइड है वो 10 रुपये है और जो कॉल साइड है वो 5 रुपये के आसपास है, ठीक है। वेट करते हैं, जो एक्सपेक्टेशन है वो मैंने बता दिया आपको, या तो 300 पे एक्सपायर होगा या तो 400 पे एक्सपायर होगा। अनएक्सपेक्टेड को प्रिडिक्ट करना है एंड वहाँ पर पैसा है, ठीक है। वी हैव टू प्रिडिक्ट द अनएक्सपेक्टेड एंड वहाँ पर अपन पैसा बनाएंगे, ठीक है। जो कॉल साइड है वो बहुत बुरी तरह डाउन साइड आ रहा है, बहुत ज़्यादा ही बुरी तरह डाउन साइड आ रहा है यार, क्या होगा। ठीक है, 3.75 रुपीज़ के आसपास आ चुका है प्रीमियम, 3.65 रुपीज़ के आसपास आ चुका है। ओके, 3.80, 3.7065, थोड़ा सा और वेट करते हैं।
थोड़ा सा और वेट करते हैं गाइस, थोड़ा सा और वेट करते हैं, ध्यान से देखते हैं कि चल क्या रहा है। ठीक है, थोड़ा सा वेट करते हैं, 3.60 के आसपास चल रहा है। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। पुट साइड 20 रुपये के ऊपर ब्लास्ट कर जाएगा, और जो कॉल साइड है एज ऑफ नाउ तो डीके ही कर रहे हैं। नो, यहाँ पर गेम चालू होता है। ठीक है, यहाँ पर जो है मार्केट का जो मोमेंटम है वो चालू हो रहा है, और यहाँ पर जो गेम है वो चालू हो रहा है। ठीक है, 2 रुपये के आसपास का प्रीमियम है। मैं सी साइड पर कुछ क्वांटिटीज एग्जीक्यूट कर रहा हूँ अभी। कितनी क्वांटिटीज एग्जीक्यूट की है? 9000। कितनी और कर दी? 9000 और कर दी। कितनी और कर दी? 9000 और की है, एंड 9000 और। ठीक है, कितनी क्वांटिटी अभी एग्जीक्यूट की है मैंने, लेट मी शो यू फर्स्ट, एक बार शो करता हूँ आपको, देन उसके बाद डिस्कस करते हैं। 36000 क्वांटिटी अभी अपन ने एग्जीक्यूट की है, 2 रुपये एवरेज है। ओके, 2 रुपये के आसपास एवरेज है, और 0.60 पैसा के अराउंड अपन निकल जाएंगे मार्केट से, आउट हो जाएंगे 0.60 पैसा के अराउंड अपन आउट हो जाएंगे। ओके, 0.60 पैसा के अराउंड आउट हो जाएंगे। ओके, इसके सेलिंग ऑर्डर्स भी जल्दी से रेडी करते हैं, लेट मी शो यू। 45400 का जो कॉल है, ओके, 900, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ओके, जो जो सेलिंग ऑर्डर्स हैं वो भी रेडी हो चुके हैं। ठीक है, जो अभी देखोगे आप तो 2 रुपये 20 पैसा के आसपास जो है वो ट्रेड चल रहा है। ठीक है, 2 रुपये 20 पैसा के आसपास तो ट्रेड चल रहा है, बट मेरी एक्सपेक्टेशन है कि ये कहीं ना कहीं पर जाना चाहिए यार। जो है ये ट्रेड जो है ना, थोड़ा सा क्वांटिटीज़ अपन और ऐड करेंगे यहाँ पर। क्यों ऐड कर रहा हूँ मैं बताने वाला हूँ आपको, वेट करो। ओके, सो लगभग 63,000 क्वांटिटीज़ हैं अभी अपने पास। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अभी वेट करो। ओके, मैं क्यों ऐड कर रहा हूँ मैं बताऊँगा आप लोगों को। स्टॉप लॉस एकदम स्ट्रिक्ट है। ठीक है, स्टॉप लॉस जो है वो एकदम स्ट्रिक्ट करके रखा हूँ मैं। कहाँ पर? 0.8 कहाँ पर? 0.70 पैसा के आसपास मैं स्ट्रिक्ट करके रखा हूँ स्टॉप लॉस को। ठीक है, लेट मी शो यू समथिंग गाइस, लेट मी शो यू। अभी जो स्पाइक आएगा वो अबाउट 2.50 to 3 rupees जाना चाहिए एज पर द प्रीमियम्स। ठीक है, जो 28 रुपये का ऊपर सबसे ऊपर में आपको प्रीमियम दिख रहा है, अगर वो 35 rupees के अबाउ चला जाता है देन वी आर गोइंग टू सी अ स्पाइक इन द 45,400 कॉल प्रीमियम ऑल्सो। ओके, नाउ द पॉइंट इज वेदर वी आर गोइंग टू सी द गेन और नॉट। 0.60 to 0.70 पैसा पे स्ट्रिक्ट एक स्टॉप लॉस लगा हुआ है अपना। ठीक है, वेट करते हैं 2 रुपये के आसपास अपन ऐड करेंगे क्वांटिटीज़ को, 2 रुपये के आसपास अपन ऐड करेंगे क्वांटिटीज़। ठीक है, 2 रुपये के आसपास अपन क्वांटिटीज़ ऐड करने वाले हैं। वी आर गुड एंड वी आर वेरी गुड करेंटली, 2 रुपये के आसपास क्वांटिटीज़ ऐड करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा तो मोमेंटम आए यार, थोड़ा भी मोमेंटम नहीं आ रहा है। ग्रेट 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 ग्रेट। यार पुट साइड एकदम डीके कर गया, देन ऑल्सो द कॉल साइड इज नॉट स्पाइकिंग, क्या बोलूँ। 1.70 पैसा 80 पैसा, स्टिल जो कॉल साइड है वो उतना स्पाइक नहीं कर रहा जितनी एक्सपेक्टेशन है। ओके, जितना मेरा एक्सपेक्टेशन है उतना तो स्पाइक नहीं किया, बट स्टिल ठीक है जो है। 2 रुपये 20 पैसा ना। ओके, यहाँ पर कहीं ना कहीं पर मेरे को कुछ ना कुछ क्वांटिटीज़ कवर करनी पड़ेंगी, क्योंकि अब दोनों साइड ही डीके होने चालू हो गए। ओके,
दोनों ही साइड से मार पड़नी चालू हो गई, दैट मीन्स पुट वालों को भी मार पड़ रही, कॉल वालों को भी मार पड़ रही, ठीक है। क्या हो रहा है? ओके, कॉल साइड स्पाइक तो आ जाना चाहिए था, क्योंकि पुट साइड 10 रुपये से 2 रुपये आ गया है, फिर भी कॉल साइड स्पाइक नहीं कर रहा, क्या बताऊँ बताऊँ। थोड़ा सा ना कभी कभार किस्मत भी, क्या बताऊँ यार। चलो कोई नहीं, मेरे हिसाब से स्टिल एक वैलिड ट्रेड है एंड एक वैलिड स्पाइक आना चाहिए, जो कि इस प्रीमियम को 3 रुपये के आसपास ले जाना चाहिए। ओके, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है एंड दैट्स ऑल गाइस। कम ऑन। काफ़ी टाइम चला जा रहा है। इतना टाइम नहीं देना है यार। दूंगा तो क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा ना सब कुछ। 2 रुपये 15 पैसा के आसपास है। कॉल साइड वन स्पाइक इज नीडेड। कम ऑन, 30 रुपये 40 पैसा 50 पैसा। चलो निकाल ली जाए कुछ क्वांटिटीज, 3 रुपये, ठीक है। 2.70 स्पाइक किया, चलेगा। ओके, जितना स्पाइक किया इनफ है। अब सेलिंग ऑर्डर्स कहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहे हैं, कितने, अरे भाई बाइंग ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो गया है यार, क्या बताऊँ। ओके, मेरे से एरर हो गया और एक फालतू सा काम कर दिया मैंने, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, जो सेलिंग ऑर्डर्स थे उसकी जगह मैंने बाइंग ऑर्डर्स एग्जीक्यूट कर दिए, क्या बोलो यार। खैर कोई नहीं, वेट स्टिल मैनेज करते हैं। 45,400 का जो कॉल है, सेलिंग ऑर्डर है, जब तक मैं पहले सेलिंग ऑर्डर बनाऊंगा ना तब तक तो हो गया, ये ट्रेड आ गया रहेगा 1.30 पैसा के आसपास, आपके सामने अभी आएगा ये। ऑर्डर पंचिंग मिस्टेक हो गया यार, क्या बोलूँ, ऑर्डर पंचिंग मिस्टेक हो गया। सेलिंग ऑर्डर जहाँ तक मेरे को याद है मैंने रेडी किए थे यार, ये है सेलिंग ऑर्डर। ओके, सो गाइस कहीं ना कहीं पे एक ऑर्डर मिस्टेक के कारण मार खाना पड़ा। सो 0.82-0.90 पैसा है, यहाँ पे निकलना ही पड़ेगा, स्टॉप लॉस जहाँ पे डिसाइड किया था, क्या बोलूँ। देखो यार समझा नहीं सकता मैं अभी, ना मैं अपने आप को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ और ना ही मैं किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, ठीक है। ठीक है, एज ऑफ नाउ जो भी चीज़ है वो इट्स फाइन। ओके, मैं किसी चीज़ का रिग्रेट नहीं कर रहा हूँ, आई एम ऑल्सो ह्यूमन, थोड़ा सा हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है, एंड वही हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। ओके, 3 रुपये तक गया था, स्टिल मार खानी पड़ी। कितने, 43,000 क्वांटिटीज और है ना, 43,000 क्वांटिटीज और है, तो 3, चलिए लगभग लगभग कितनी, 10,000 क्वांटिटीज और बची है ना, 10,000 क्वांटिटीज और बची है। जो पुट साइड है वो ऑलमोस्ट एंड हो चुका है। ओके, बाप रे, 2 रुपये वापस चला गया, 2 रुपये 10 पैसा, 2 रुपये 10 पैसा वापस गया, 2 रुपये 40 पैसा चला गया। लुक एट द स्पाइक, 3 रुपीज, जस्ट ड्यू टू वन ऑर्डर एरर वी मेड लॉस। वेल ठीक है, हेल लुक एट दिस, 4.30, 4.40, 4.50, 5 रुपीज। हा, वन ऑफ द मेजर मिस्टेक, मैं ऐसे मिस्टेक कभी अपने आप से एक्सपेक्ट करता नहीं हूँ। ओके, एंड स्टिल आई हैव मेड दिस मिस्टेक एंड काफ़ी ज़्यादा ख़राब मिस्टेक। अभी तक सब कवर हो गया रहता है एंड सारी चीज़ें मेंटेन हो जाती हैं, स्टिल वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ माय ट्रेडिंग करियर यू कैन से।
ऑर्डर पंचिंग में मैं कभी इतना मिस्टेक नहीं करता हूँ, पता है। 45,300 CE कितने पे बोला था, 35 रुपये पे डिसाइड किया था कि 35 के ऊपर ब्लास्ट कर जाएगा, 35 के ऊपर ब्लास्ट कर गया। 45,400 CE एक्सपेक्टेशन थी कि जब 45,300 CE स्पाइक करेगा तब जो ये वाला इस साइड है, ये जो साइड दिख रहा है आपको, किस साइड, 45,400 का जो CE है वो ब्लास्ट करेगा। खैर 5 रुपये तक गया, और 5 रुपये तक गया है, ठीक है। बाप रे बाप, क्या बोलेंगे इस, कुछ नहीं कर सकते। स्टिल देर इज अपॉर्चुनिटी, ये जो प्रीमियम है वो स्टिल अभी 10 रुपये के आसपास स्पाइक जा सकता है, 10 रुपये के आसपास जा सकता है। ये क्यों जा सकता है, जस्ट बिकॉज टू एडजस्ट दिस ट्रैडल जो आपके सामने चल रहा है ना, 45,400 का पुट, इसको जीरो करने के लिए मार्केट जो आपको दिख रहा है प्रीमियम 3.40 रुपये के आसपास का, इसको स्पाइक कर सकता है, समझ में आया। खैर रिस्क लिमिट रीच हो गया है, जितना मैंने एक्सपेक्टेशन रखी थी उतना लिमिट जो है वो रीच हो गया है, मैं रिस्क नहीं ले सकता। और सो दैट इज़ वाई आई एम जस्ट क्लोजिंग, एंड आई नो मैनी पीपल आर गोइंग टू जज एट द एंड, ओके, कि भाई लॉस कर लिया ये वो गैम्बलिंग दिस दैट एंड ऑल, बट लेट मी टेल यू समथिंग, मेरे जो एडजस्टमेंट थ्योरी है, ओके, मैं जितना इसके लिए कॉन्फिडेंट हूँ मैं बता नहीं सकता, ओके। जस्ट बिकॉज ऑफ द ऑर्डर पंचिंग एरर मैं मार खा गया और कुछ नहीं, और दिस वॉज वन ऑफ माई बिगेस्ट मिस्टेक, ओके। खैर ठीक है, चलता है, एंड स्टिल अभी लाइव, अभी सारी चीज़ें लाइव है, अभी स्टिल मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आप लोगों को, ये जो 45,400 का जो कॉल है ये स्टिल स्पाइक कर सकता है अबव 5 रुपीस, मेरा रिस्क लिमिट रीच हो गया है, अदरवाइज मैं ज़रूर यहाँ पर एक ना एक ज़रूर लाइक ट्रेड लेता, ठीक है। 26 रुपये के आसपास है वो, ओके, स्टिल गाइस इट कैन स्पाइक, लेट मी सी द चार्ट। बाप रे, जो स्पाइक आया था कितने रुपए तक गया था, 5.33 रुपये तक गया था, ठीक है। अभी आप लोग देखोगे कि अगर वही चीज है, अगर ये हाई ब्रेक होता है तो दैट मार्केट इज गोइंग टू शो वन मोर अपसाइड, ओके। सीधा साधा बात है, ये जो प्रीमियम दिख रहा है 44,400 का पुट जो 26 रुपये पे चल रहा है, इसको मार्केट स्ट्रैडल को एडजस्ट करके जीरो पे लेके आएगा, दैट्स द रीज़न बिहाइंड द स्पाइक्स, ओके। एक एरर बहुत बड़ा, ये जो था ना ये ऑर्डर्स, ये कहीं मार दिए मेरे को, कहीं ना कहीं पे जो बड़ा मिस्टेक हुआ वो यहाँ पे हुआ, ओके। यहाँ पे मैंने बाइंग ऑर्डर्स लगा दिए जो वो भी 2.70 पैसा के आसपास, बहुत ज़्यादा हाई था यार, बहुत ज़्यादा हाई। मेरी बाइंग नियर अराउंड, मैंने एवरेज रखा था 1.20-1.30 रुपीज़, इवन स्टिल अभी मैं ट्रेड पे अगर होता तो स्टिल प्रॉफिटेबल ट्रेड चल रही होती। क्या ठीक है, इतना नहीं सोचते, इतना सोचेंगे तो हो गया। ग्रेट 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 ग्रेट, आई एम जस्ट वेटिंग टू सी द स्पाइक, अगर आता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज क्लोज करेंगे। ओके, 1.35-1.30 रुपये के आसपास आ चुका है ना, चलिए। आप लोगों को पता है एक चीज़ कि उस टाइम पे जो मैंने SL रखा था वो SL कभी हिट नहीं होता, क्यों नहीं हिट होता पता है, कभी नहीं, ऐसा नहीं बोलता कि मैं कभी हिट नहीं होता, बट मैं एक चीज़ पे श्योर था, जब मैंने डाउनसाइड पे क्वांटिटीज ऐड की ना उसके पीछे एक रीज़न था, आप लोगों ने ऑब्जर्व किया वो रीज़न, आई डोंट नो वेदर आपने ऑब्जर्व किया कि नहीं किया, बट मैं आपको वो रीज़न बताता हूँ, ठीक है। आप देख रहे थे ये जो 45,300 का पुट था वो 17 रुपये चला गया था, ठीक है, 17 रुपये से ये गिरना चालू हुआ, ठीक है, 17 रुपये से कहाँ तक गिरा, ये 10 रुपये तक गिरा, ओके। ये क्या इंडिकेट करता है, भले ही जो कॉल साइड है वो स्पाइक ना कर रहा हो, बट स्टिल व्हेन द पुट साइड इज डीकेइंग दैट मींस जो अपसाइड है उसके लिए ऑर्डर पंच हो रहे हैं, ठीक है,
ये इंडिकेशन मिली वहाँ पर, एंड दैट्स द रीज़न कि मैं डाउनसाइड से ऐड करना चालू कर दिया. दैट्स द रीज़न मैंने 1.20 या 1.30 पैसा के आसपास क्वांटिटीज अच्छी खासी पंच की. ओके वो रीज़न था और कोई रीज़न नहीं था. एंड मैं वहाँ पे इतना ज़्यादा इसी कारण से मैं वहाँ पे कॉन्फिडेंट था. ओके एंड आप देख रहे हो कि 17 रुपये से अब कितने पे आ गया, ये पुट 0 रुपीज़ पे आ गया. और जो कॉल साइड था वो कितने रुपये तक स्पाइक किया था, वो स्पाइक किया था लगभग 5 रुपये. लॉस जो था 1 लाख क्वांटिटीज़ थी यार, मैं आराम से होल्ड करता, कोई हड़बड़ाने वाला बात ही नहीं था. ठीक है एवरेज भी निकालता 4.30 रुपीज़ के आसपास तक एवरेज निकालता, जो लॉस था सारा कंप्लीट कवर हो जाता, 1 लाख प्लस प्रॉफिट में एंड करता. ठीक है बट स्टिल गाइस, स्टिल वी ऑल आर लर्नर्स एंड वी स्टिल हैव टू लर्न अ लॉट. एंड आई डोंट नो अबाउट एनी वन बट आई नो वन थिंग दैट आई स्टिल हैव टू लर्न अ लॉट. ओके जहाँ पर ऑर्डर पंचिंग में दिक्कत किया हूँ ना, दैट इज़ वन ऑफ माई बिगेस्ट मिस्टेक. एंड ये एंगजाइटी के कारण नहीं है. ओके ये एंगजाइटी के कारण नहीं है, ये चीज़ इसलिए है क्योंकि जस्ट एक सिंपल सा चीज़ था कि मैं ऑर्डर्स पे गया हूँ, मेरे को एक दिमाग में था कि मैंने 20 जो क्वांटिटीज़ लगाई हुई हैं वो मैंने सिर्फ सेलिंग ऑर्डर्स की लगाई हुई हैं, तो मैं स्वाइप डायरेक्ट जाके स्वाइप कर दिया और कुछ नहीं. ओके दिस वॉज द रीज़न जहाँ पे दिक्कत गई और सेलिंग ऑर्डर्स के नीचे थे. चलिए कोई नहीं, वी आर क्लोजिंग विद अ लॉस ऑफ जो लास्ट ट्रेड था, जो अपन ने मैंने आपको ट्रेड दिखाया उसमें अप्रोक्सीमेटली जो लॉस था वो था नियर अराउंड 70 to 80,000 रुपीज़. दैट मीन्स 00 में अपन ने 70 to 80,000 रुपीज़ लॉस किया है. ओके दैट्स इट गाइस, लेट्स क्लोज एंड यू कैन जज गाइस, देर इज नो इशू. ओके आई स्टिल respect your view on me. Okay, if you want to judge, you can judge in the comment section. The comment sections are always open. Okay, I know many are going to say that it's gambling, but jahan mere ko lagta hai ki knowledge hai wahan gamble nahi karna. Okay, that's not called gambling. Okay, still I have to gain a lot of knowledge about the premiums and still I have to do a lot of things. दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस. एंड आपको अभी दिख रहा होगा जो पुट साइड है वो स्टिल ट्राई कर रहा है डाउन आने के लिए, कुछ नहीं है मैं बता रहा हूँ. अगर एक अप साइड अच्छा खासा स्पाइक आया ना तो ये जो कॉल साइड है वो स्टिल रखता है कैपेबिलिटी. 3:21 या 22 के बाद कुछ नहीं हो सकता, बट स्टिल 3:21 या 22 के पहले कोई अप साइड स्पाइक आता है चार्ट में तब एक अप साइड देखने को मिल सकता है. दैट्स इट गाइस, द कमेंट सेक्शन आर ओपन. I am waiting for your comments. Bye-bye guys, take care, have a good day. Just want to say, stick with Trade Like Berlin, together we have to go a long way. And one more thing, we do not have any kind of paid services in our Telegram channels. Telegram channels काफी सारे fake हैं. आप please alert रहिए. Okay, because we do not run any kind of services in Trade Like Berlin. Everything is for free. The knowledge is for free, and the trades are for free. Okay, and सारी चीजें free. Please stay alert above from the fake pages. Okay, bye-bye guys, take care.